एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट ये है कि मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर है जहां से मुझे अपने फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर है जहां से मुझे अपने फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा डाउनलोड नहीं होता है, और डेटा जो है डाउनलोड की जगह पे कॉपी पेस्ट होता है, तो हमें उनको एक्सेल फाइल देना पड़ता है। तो मुझे क्या करना है कि ई ड्राइव में जाना है, 2022 का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर 9 का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर 17 का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर 17 नहीं, जो भी आज डेट है 29 है, तो 29 का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर जो है अपना डेट डालना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको लिखते हैं। समझ में आया आपको क्या करना है? प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ सर। चलिए तो मैं एक दोबारा रिपीट करता हूं। हमें एक ई ड्राइव के अंदर 2022 का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर जो मंथ चल रहा है 9 उसका फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आज का डेट जो 29 है उसका फोल्डर बनाना है, और 29 के अंदर आज की डेट की फाइल रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ वाई इक्वल टू ईयर का फॉर्मूला लगाया और इसमें दे दिया डेट। ये क्या करेगा? डेट क्या होता है? सिस्टम डेट होता है। सिस्टम डेट में से ईयर को निकाल के वाई के ऊपर स्टोर कर देगा। फिर एम इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया मंथ। ये क्या करेगा? ये आपको डेट में से मंथ को अलग करके एम पे डाल देगा। देन आता है डी, हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला डे का, ये डेट में से डे जो है उसको निकाल के अलग कर देगा। ओके सर, ओके अब मेरे पास फॉर्मूला होता है एम के डी आई आर, इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी के अंदर में आपको फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए जो पाथ होता है कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ इन्वर्टर कॉमा में लिखते हैं, जैसे 2000 यहाँ पे हमने 22 लिख दिया, ये 2022 का फोल्डर बना लिया। पर मैं मैनुअली 2022 नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि 2022 तो वाई पे है ना, वो चाहिए ना मैं सर, तो हमने इसके यस साथ कॉनकेट कर दिया वाई। अब 2022 के अंदर जो है हमें मंथ का फोल्डर बनाना है, तो इसके ऊपर हम एंड परसेंट और यहाँ पे स्लैश देके एड्रेस कंप्लीट किया, और यहाँ पे हमने दे दिया एम का फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर गए एंड परसेंट, यहाँ पे स्लैश एंड परसेंट डी का फॉर्म। सबसे पहले 2022 का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर 9 का फोल्डर बनाएगा सितंबर का, उसके अंदर 29 का फोल्डर बनाएगा। अब फाइल नेम भी तो चाहिए, लेकिन फाइल नेम में मैं डेट के नाम से फाइल नहीं बना सकता, क्योंकि डेट में बाय डिफॉल्ट होता है कुछ इस तरह का फॉर्मेट, इस तरह से। अब ये फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या है कि फाइल नेम कभी भी स्लैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका? फॉर्मेट का। फॉर्मेट फॉर्मूला में हम कस्टम फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट देंगे और जो मर्जी चाहिए लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई और ब्रैकेट को क्लोज कर। अब यहां पे हम लिखेंगे वर्क टू बुक, सॉरी डॉट एड डॉट सेव एज, और यहां पे हमारा जो पाथ होगा ए वाला पाथ, इस पाथ के अंदर हम कॉन्केट करेंगे, इसको डालेंगे और अगेन जो है हम लिख देंगे डी टी, और फिर एन परसेंट में यहाँ पे डॉट एक्सएलएस एक्स, समझे? यस सर। फिर मैसेज बॉक्स एम, इसके फाइल को क्लोज भी करना है, तो जो फाइल ओपन हुई है वही एक्टिव है, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्क
बुक डॉट क्लोज यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैसेज देते हैं एम एस जी बॉक्स और यहाँ पे फाइल क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन सक्सेस हो गया और आप देखेंगे ई ड्राइव के अंदर 2022 का फोल्डर, इसके अंदर 9 का फोल्डर, उसके 29 का, फिर 29 का फाइल। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, सेकेंड टाइम जब इस कोड को रन करूंगा तो एक एरर आएगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा ना वो फाइल सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? फाइल एसएस एरर मींस वो ऑलरेडी फाइल वो डेट का बना हुआ है। आप अपने कंप्यूटर में एक ही नाम के दो फोल्डर कभी नहीं बना सकते, दो फाइल कभी नहीं बना सकते। तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें तो ईयर का फोल्डर साल में एक बार बनाना है, मंथ का फोल्डर महीने में एक बार बनाना है, डे का फोल्डर महीने में एक बार बनाना है। लेकिन हम बार बार हर दिन इसको रन करना है क्या? तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे ही आपका जो लाइन एरर जो होगा लाइन एरर दे रहा है, अब मुझे पता है कि एरर कहाँ आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो फोल्डर क्रिएटेड है। तो ऐसे केसेस में हम एक यहाँ पे कोड देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्या करता है कि जिस लाइन में एरर होगा, 2022 की लाइन में एरर है, इसको स्किप करके दूसरे को चला देगा, इसमें एरर होगा दूसरे को, इसमें एरर होगा दूसरे को, इस तरह से और स्किप करता चला जाएगा और उसी कोड को रन करेगा जिस कोड में एरर नहीं। समझ गए? समझ गया सर।